भाभी जी घर पर हैं। अरे ये कहाँ से आ गए? इनका तो शेर शायरी से कुछ लेना देना ही नहीं। पता चला उल्टे सीधे शेर सुना के पकाएंगे। अरे तिवारी जी बैठिए ना। जी जी क्या हुआ, आप ऐसे चोरों की तरह इधर उधर क्यों देख रहे हैं? नहीं वो भभूति जी कहाँ हैं? होगा किसी अपने फालतू दोस्तों के साथ बाहर। क्यों, आपका कोई पंगा मंगा हुआ है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। वो क्या है कि अब हम तभी आया करेंगे जब भभूति जी घर पर नहीं होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाभी जी क्योंकि भभूति जी को शायद हमारा आना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनफैक्ट विभू को तो पसंद है कि लोग उसके घर में आए। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाभी जी बिल्कुल नहीं, उन्हें कतई पसंद नहीं है कि हम उनके यहाँ आए। आप लोगों के बीच में क्या खिचड़ी पकती रहती है ना, ये आप ही लोग जाने। खैर छोड़िए और सुनाइए लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ अच्छी जा रही है, मेरी तो बहुत अच्छी जा रही है। आप बताइए आपकी कैसी जा रही? हमारी तो बहुत ही बेकार जा रही है। ये आपके होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि और कैसा महसूस कर रही हैं? कैसा महसूस कर रही हूँ? क्या मतलब? मतलब अपने इस घर में आप कैसा महसूस कर रही हैं? तिवारी जी अपने घर में कोई कैसा फील करता है? क्या बेतुका सवाल है। मतलब शेरों से डर नहीं लगता? शेर कोई डरने की चीज होती है? शेर तो प्यार करने की चीज होती है। मतलब आपकी नजर में शेर प्यार करने की चीज है? हाँ, आपको क्या लगता है कि शेर नफरत की चीज है? नहीं नहीं शेर तो डरने की चीज है भाभी जी। कैसी बातें कर रहे हैं, शेर तो तन्हाई का साथी होता है। इनफैक्ट मैं जब सोती हूँ ना रात में तो शेर के साथ सोती हूँ। शेर के साथ सोती? मतलब आपको डर नहीं लगता? तिवारी जी आई रियली फील कि आपको ग्रूमिंग की सख्त जरूरत है। शेर के बारे में ऐसे घटिया राय रखते हैं। आपको तो पड़ोसी कहते हुए ना मुझे शर्म आती है। नहीं नहीं भाभी जी हम तो। तिवारी जी आप जा सकते हैं। हमारी बात तो सुनिए। तिवारी जी बताइए, जो शेर मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं उनके बारे में ऐसी बुरी बातें कह रहे हैं। एक बार विभू के बारे में कहा होता तो फिर भी चल जाता, लेकिन शेर के बारे में ऐसे घटिया विचार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लव शेर। एक सेकेंड डोकर तुम सही से करते ही ना हो। हमने तुम्हें कई बार एक सेकेंड आओ बैठो, हमने तुम्हें 10 बार बताइए। अरे यार 10 बार क्या बताऊं? तुमने सलून काहे खोलो? सलून क्यों? लंदन में सोचो कोर्स करो, नहीं मुंह उठा के कानपुर में आ गई। अबे यार तू बस सिखाता रहियो मुझे बस। एक बात बताओ, सुन एक कस्टमर आएगो बाकू हाथ ही उखाड़ दोगे का? अरे ऐसे नरमी से आओ ना, आराम से। तुम सिखा जब सिखा रहे तो सीख लो। हाँ तो सीखना चाह रहा हूँ ना, पैसा तुम्हें पूरे चाहिए। पैसा देखो ऐसा करके पहले हमें लगी तो मैं नहीं, हमें लग रही थी। अच्छा अब देखो मैं हाय कैसो लगो? यार मतलब कमाल का सिखाता है तू। एक काम किया कर तू, मतलब वो एक कैसा तेरा वजन चुकाऊंगा मैं। सुन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ तुझसे। तू ना गलत फील्ड में चला गया यार, ये हवलदारी की फील्ड में। अरे चुप करो डू करता हूँ, हम सही फील्ड में हैं। अरे लौंडो अबे ओए क्यों आ गए यार यहाँ पे? यार भगाए ना यहाँ से। एक मिनट ठहर जाओ ठहर जाओ। अरे लौंडो तमोरन को चेहरा इतनु उतरो भाव का ये कोनो लौंडिया ना पीट दो का। वैसे एक बात कहें सारे हरो तुम्हारी जे इज्जत है हुँ? किसकी क्या इज्जत है वो तो हम देख ही रहे हैं। कहने को क्या मतलब है तेरो? अरे यार तू मतलब क्या मतलब है तेरो? यार मतलब को गोली मार यार, तू मालिश कर मेरी, नहीं मतलब मुझे सिखा। सुनो हाँ क्या कहते हो यार, इन्हें सारी बातें बता दे यार, बिना बताए कोई चारा भी तो ना है। लोगों को बताएंगे कम से कम लोग सावधान तो हो जाएंगे। जालिम एकदम सही कह रहे हो यार, नहीं तो कॉलोनी से रोजाना एक आदमी कम हो तो रहेगा यार। ऐसे मत बोल यार। हाथ अटैक आ जा तो अभी क्या हो लंडो, बड़े डरे सहमे से लग रहे हो, बात क्या है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपसे ना हम तीनों एक बात शेयर करना चाहते हैं। अबे शेयर नहीं, शेयर करना चाहते हैं यार। प्रॉब्लम क्या है भाई, शेयर तो हर व्यक्ति को आना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि शेरों शादी करने का शौक तो होना ही चाहिए। ये जिस शेर की बात कर रही है ना, अगर तुम उसे देखोगे तो गुर्दे मुंह को आ जाएंगे, कांप जाओगे तुम। अरे लौंडो तुम्हारे यार इतनू मतलब दावे से जब बात कैसे कह सकती हो, कुछ सबूत है? अरे सबूत है, पक्का सबूत है। तिवारी सेठ जी के पास उन्होंने देखा है विभूति सेठ को गीदड़ से शेर बनते हुए। हाय चाच, हाय मालिश मैन, व्हाट्स हैपनिंग? तू सिखा सिखा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ लौंडो ऐसे क्या घूर रहे हो बे? हाँ अरे ये पागल हो गए हैं लौंडे, तो इनको हॉस्पिटल भेजिए, मेंटल हॉस्पिटल। चाच सुबह से कुछ जुगाड़ हुआ क्या? अरे जुगाड़ क्या यार, अभी मतलब ये समझ जो है गल्ला सिर्फ 100 रुपए का आया है। चाच थैंक यू एंड आई लव यू। अरे यार तू लव यू मालिश मैन, कैच यू लेटर। यार मतलब धंधा शुरू नहीं हो गए और आ गए लेने के लिए। अबे ओए लौंडो, किस एंगल से दिखाई दे रहा है इसमें शेर? एंगल अभी तुमने देखा कहाँ है चाचा? जंगल में एक शेर ने हिरण पे हमला किया और उसके बाद शेर, 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 शेर। तिवारी भैया हमें बड़ी खुशी भाई चटर, तुमने हमें देखते नहीं शेर का हो। वैसे कौन बड़ी बात नहीं है, चारों शहर हमें वैसे भी जो छावर खुर दरोगा के नाम से जानता है। अब हमें बुरू लग गो, तुम यार कैसी बातें कर रही है, हम तुम्हारी मदद के लाने आए हैं, छोटे ये काम छोड़ के आए हैं। कहूँ बाकी तिवारी, अरे तिवारी वो दादा भाभी अंगूरी, अरे वो तिवारी की भैया का हो गया, काहे रो रहे हैं? ना हमने हमने तो हाथ ही में लगा हुआ। अबे तो ये हमको पता है, वो तो पहले सुबह से ही पगला रहे हैं। हुआ काहे ब्रेक फेल हो रहा है आपका? ना ना आप ब्रेक डाउन कहना चाह रही हैं, ऐसे ही पकड़े हैं। हुआ? अरे यार तुम सुनो, खोल के बताओ तुम, वो दादा तुम खोल के बोलो, हम तो हैं तुम्हारी हिफाजत के लाने। काहे? इसी बात का तो रोना है, जब अंग रक्षा की भक्षा हो जाए तो कोई क्या करे? फिर वही बात है, तुम तो यार ऐसे कह रहे हो जैसे हमने तुम्हारे को महत्वपूर्ण अंक गपच रहे हूँ। लड्डू के भैया बताइए ना, का है का देखे हैं, वो सब बताइए उनको विस्तार से। हाँ बता बता, काकाचू बात हो गई का? क्या बताए, हमने जो भभूति जी को साक्षात शेर बनते देखा। वो एक शापित शेर है, उन्होंने वो अपने दोस्त प्रेम चौधरी पर अटैक किया। प्रेम चौधरी जो लाख मिन्नतें करता रहा, भभूति मैं तेरा दोस्त हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे दोस्त नहीं गोश्त पसंद है। ये कह के उन्होंने प्रेम चौधरी पे अटैक किया है। दादा तिवारी